अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। जी देखिए, हम लोग को DCP सर के पास भी ये पत्र देकर आए हैं, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर के पास भी ये पत्र देकर आए हैं, और RPO के सीनियर के पास भी हम ये पत्र देकर आए हैं, दिए हैं अभी। इसका कारण ये है कि जैसे अभी पिछले साल भी हमेशा हम देखते हैं कि रमज़ान के पाक महीने में लगातार बहुत ट्रैफिक हो जाता है मुमरा में, और लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण ट्रैफिक होने के, हम किसी एक फैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो उसी को देखते हुए हमने पिछले साल जो है अपने खुद के वॉलंटियर्स और हमारे को RDO डिपार्टमेंट से सपोर्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से जो है मैनेज किया था। पिछले साल हमने ट्रैफिक को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, अपने खुद के वॉलंटियर्स, हम लोग कौसा से शंकर मंदिर तक के हम लोग अपने वॉलंटियर्स के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट करते थे, इलीगल पार्किंग्स को, जो रॉन्ग पार्किंग्स है, रॉन्ग पार्किंग्स उनको हटाते थे, और काफ़ी हद तक हमने मैनेज किया था। उसी को लेकर हमने इस बार भी यही सेम बंदोबस्त के लिए हमने सर को, सारे जो डिपार्टमेंट के हैं, DCP सर, सीनियर सर, RPO के सीनियर, उनको पत्र दिया है कि इस बार भी हम वही करेंगे, आप अपनी तरफ से कोऑपरेट कीजिए, आपको वॉलंटियर्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको वॉलंटियर्स भी देंगे, हम लोग रेडी हैं अपने लोगों को सर्व करने के लिए, अपने लोगों की को जो चीज़ सहायता देती है उस सहायता को मेंटेन करने के लिए हम लोग रेडी हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए और हमने उसका पत्र दिया है। सर, आज मर्जिया पठान ने आपको लेटर एक दिया है ट्रैफिक के विषय को लेकर, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है, तो क्या उस लेटर में क्या मांगनी की गई है, क्या डिटेल? लेटर में मांग की है कि आगे आने वाले दिन में रमज़ान है, गुड़ी पड़वा है, और जो भी सन है उसके लिए हनुमान जयंती है, तो जो सन मनाने वाले, फेस्टिवल मनाने वाले जो लोग रोड पे आएंगे उसको तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए ट्रैफिक के लोग आप वीडियो ट्रैफिक ठीक ढंग से करिए। और वो मैडम भी बोले कि हम वॉलेंटियर से हैं, तो वो तो अच्छी बात है, और हमारे लिए एक अच्छी तरह से सहायता होगी। सर, उनके तरफ से वॉलेंटियर तो रहेंगे, लेकिन ट्रैफिक विभाग की तरफ से कितने वॉलेंटियर, कितने कांस्टेबल लगाए जाएंगे? स्टाफ रहेगा, कितने रहेंगे? तो टोटल यहाँ 35 लोग हैं, और भी टाक मंगाऊंगा मैं बाहर से, एयरपोर्ट से, सिर्फ रमजान के लिए, रमजान के बाद के लिए, रमजान के लिए, और रमजान के बाद जब तक प्रॉब्लम रहे तब तक मैं बाहर का स्टाफ मंगाऊंगा। कम 35 मतलब मेरे लिए 15-20 लोग ही मिलते काम करने के लिए, क्योंकि ऑफिस में काम करना पड़ता है, नाइट को लोग रखना पड़ता है, 15-20 लोग एक दिन में 15 लोग मिलते हैं, तो और लोग मंगाऊंगा मैं। सर, रमज़ान भी आ रहा है और उमरा बाईपास भी बंद हो रहा है, तो उस पर लेकर किस तरीके के इंतजाम आ रहे हैं? उमरा बाईपास बंद कितने तारीख से बंद हो रहा है? वो अभी तारीख निश्चित नहीं हुई, लेकिन एक हफ्ते के अंदर शायद काम शुरू हो जाएगा और उमरा बाईपास बंद हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रैफिक डाइवर्शन का जो है वो शाहपुर से डाइवर्शन हो जाएगी, मनोर वासिन से और शाहपुर से चिंचोटी और अंजुर फाटा, और ये नासिक रोड ये चालू रहेगा, एक महीने के बाद वो भी काम, साकेत और खारेगांव भी सब काम चालू होने वाला है, ये तीनों काम मतलब एक महीने के बाद वो काम होने के बाद भी तकलीफ हो जाएगी। तो शुरू में जब डाइवर्शन होता है तो शुरू में एक हफ्ता के लिए ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, लोगों को मालूम नहीं रहता कहाँ से कहाँ जाने का, कैसा जाने का, एक बार रूटीन शुरू हो गया ना तो ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाता है। सर, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है? नोटिफिकेशन करने वाले नोटिफिकेशन तैयार है, सिर्फ काम होने के पहले दो दिन या नोटिफिकेशन, अनुमानित समय कुछ ऐसा, हफ्ते के अंदर हो जाएगा सब कुछ।